यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है, पर एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस कम है, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट किए गए। डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने आपको लॉजिक बताया, बिल्कुल कंटिन्यूटी जैसा है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी के करवाता हूं, और डिफरेंशिएशन में भी जहां पर जो क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है उसको हम डिफरेंशिएबिलिटी से ही सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी मींस होता है डिफरेंशिएशन। हम अगर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन समझें तो फर्स्ट फाइंड लेफ्ट हैंड, सपोज वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, राइट एक जनरल बात करें, फर्स्ट फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस एफ डैश, इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही लिखेंगे, एफ डैश एक्स जनरल बात कर रहा हूं, तो एल एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और जब लेफ्ट हैंड हो तो याद रखिएगा नीचे माइनस आता है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एंड सिमिलरली आप निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज आर एफ डैश एक्स, क्या होगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स एल एफ डैश एक्स इक्वल टू आर एफ डैश एक्स, देन फंक्शन इज डिफरेंशियबल, और सपोज इक्वल नहीं है तो फंक्शन हम बोलेंगे नॉन डिफरेंशियबल। ये बेसिक लॉजिक है। अगर यही क्वेश्चन वाई इक्वल टू डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए पे बोली जाए, क्या होगा ए पे बोली जाए, तो हम सबसे पहले एल एफ डैश ए निकालेंगे, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। ये जनरल कंसेप्ट है, ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट पे आर एफ डैश ए क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज डिफरेंशियबल। तो जो भी क्वेश्चन हमें डिफरेंशियबिलिटी के मिले हम उसको इसी ढंग से सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अक्सर आता है। सपोज मैं बोलूं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक डिफरेंशियबिलिटी, राइट। आपको कंटिन्यूटी तो पता ही है कि कंटिन्यूस है, इसका ग्राफ भी समझ में आता है आपको। अब एक लॉजिक समझना, आप ये लॉजिक से याद रख सकते हैं इसको, अभी जब भी ग्राफ इस तरह का स्मूथ हो तो डिफरेंशियबल होगा, पर ग्राफ में कभी भी पीक पॉइंट मिले जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर वो डिफरेंशियबल नहीं होता, ये आप अभी यहां देखेंगे भी। अब देखिए जीरो पे पूछा है, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा एफ जीरो, जीरो निकाला जीरो ही आया, फिर निकालेंगे जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच मतलब मॉड एच, ये आया एच के इक्वल, फिर निकालेंगे आप जीरो माइनस एच, मॉड के अंदर माइनस एच लिखा, दिस इज एच क्योंकि मॉड है तो ये हो गया एच। अगर हम कंटिन्यूटी देख रहे होते तो एच के प्लेस पे जीरो रख देते तो ये सब जीरो हो जाता, कंटिन्यूस हमें समझ में आ रहा है। अब डिफरेंशियबल है या नहीं है ये देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश जीरो, फॉर्मूला लिखते तो ये लिखते एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, क्या होता जीरो माइनस एच कितना है, जीरो माइनस एच है एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, ये मिला माइनस वन। अब निकाला आपने राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज आर एफ डैश जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाय एच, राइट ये निकालते तो एच माइनस जीरो अपॉन एच दिस इज वन। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो हम बोलेंगे फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर इस क्वेश्चन को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा पूछा होता डी वाई बाई डी एक्स मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो तो आप अपना आंसर बोलते फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मॉड एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी का एक सिंगल एडवांस पार्ट है, केवल ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, अगर ये इक्वल है तो डिफरेंशियबल है और इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशियबल है। तो 3-4 क्वेश्चंस मैं बताता हूं फिर एक्सरसाइज करते हैं, बाकी डिफरेंशियबिलिटी का डिटेल पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ, अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं इसलिए जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए वही सॉल्व कर रहे हैं, नो डाउन। अब सपोज यही क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यही क्वेश्चन अगर एट जीरो के प्लेस पे कुछ और लिखा होता तो क्या होता, अगर मैं यही क्वेश्चन में एट जीरो के प्लेस पर 2 लिख देता तो क्या होता,
तो 2 पर ये देखिए 2 यहां कहीं होगा, 2 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये हमें ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। और मेथड से निकालेंगे तो F2 कितना आएगा, मॉड 2 इज 2, 2 प्लस एच बोलिए, 2 प्लस एच, इसको 2 प्लस एच ही लिखा जाएगा, राइट 2 प्लस एच ही लिखेंगे। 2 माइनस एच निकालेंगे तो ये 2 माइनस एच आ गया, एच की जगह 0 रख देंगे तो कंटिन्यू तो दिख रहा है। अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, एफ डैश 2 तो क्या आएगा, 2 माइनस एच माइनस ऑफ 2 अपॉन माइनस एच, दिस इज 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, दिस इज ऑल्सो 1, मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 2। फंक्शन क्या है यहां पर, डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल टू 2 पर, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 2। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसा होता डी वाई बाई डी एक्स मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो आप आंसर बोलते 1, राइट। सपोज यही क्वेश्चन अगर मैं सपोज ये क्वेश्चन एट एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे पूछता तो क्या कोई चेंज होता, वो भी समझना जरूरी है। माइनस 2 पे पूछता तो आप पहले निकालते माइनस 2, माइनस 2 का मॉड 2, फिर निकालते माइनस 2 माइनस एच, माइनस 2 माइनस एच, दिस इज 2 प्लस एच, फिर निकालते माइनस 2 प्लस एच, दिस इज माइनस 2 प्लस एच। अब यहां पे आके आपको एक कंसेप्ट लगने वाला है जो 90% लोग मिस्टेक करते हैं, याद रखिएगा मॉड ए माइनस बी, ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए, डिपेंड ऑन इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए माइनस बी, मॉड से निकली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और बी माइनस ए कब होगा, जब बी ग्रेटर देन ए। अब इसमें जो लोग 90% मिस्टेक करते हैं वो ये कि इसे एच माइनस 2 लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा एच बहुत छोटा नंबर है तो ये ओवरऑल रिजल्ट निगेटिव हो गया, तो ये रॉन्ग है, तो ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है, इसको लिखना है 2 माइनस एच, मॉड से निकला रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बस यही एक मिस्टेक्स होती है जो हमें ध्यान रखना है। तो अब यहां पर आपके पास एक कंसेप्ट बन गया, तीनों आ गए। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं बोलूं तो आप लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच, दिस इज माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने को बोलूं तो आप बोलते हैं 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन प्लस का एच, देन अगेन दिस इज ऑल्सो माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट का होता तो मैं आंसर बोलता माइनस 1। देखिए यहां आंसर है प्लस 1, ये वहां आंसर है माइनस 1। अब यहां पर एक कंसेप्ट बनाने की चीज आती है कि मॉड फंक्शन, जैसे ये y इक्वल टू मॉड x है, इसकी अगर डेफिनेशन पे जाएं, x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x x लेस देन 0, तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, पर 0 प्लस के बाद भी डिफरेंशिएबल है, कितना मिलेगा प्लस 1, और 0 माइनस के बाद भी ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है 0 के बाद तो 1, इसका हुआ तो माइनस 1। तो हम एक जनरल बात करें, सपोज मॉड एक्स माइनस ए लिखा होता तो ये ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ए के बाद प्लस 1 आता और ए के पहले माइनस 1 आता, ये इसका बेसिक लॉजिक है, आप इससे समझ जाइए कि 0 पे ब्रेक हुआ इसलिए नहीं, 0 के बाद इसका ही डिफरेंशिएशन होगा तो 1, और 0 के छोटे पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 1, राइट नोट डाउन। यस नेक्स्ट देखते हैं, सपोज मैं आपको बोलूं, अब इसमें क्योंकि 11th में हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, तो वो पोर्शन ऑलरेडी कवर हो गया था, इसलिए क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं। अगर सपोज मैं बोलूं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, राइट फाइंड dy बाई डी एक्स, तो इसका प्रूफ भी आप डिफरेंशिएबिलिटी से कर सकते हैं, कैसे, f 0 कितना 0, f 0 प्लस h कितना साइन h, f 0 माइनस h कितना साइन माइनस h, मीन्स माइनस साइन h, राइट right? अगर मैं बोलूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, एक जनरल पॉइंट पे निकालना है तो आप क्या लिखते हैं, जीरो पे मत निकालो, आप एक्स पे निकालो, जनरल पॉइंट पे निकालो, एफ एक्स कितना साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच कितना, जीरो पे तो जब निकालेंगे जब बोला जाए, एक्स प्लस एच, एफ जीरो एक्स माइनस एच कितना साइन एक्स माइनस एच, राइट। सपोज मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालू तो मैं लिखता लिमिट
एस टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस एच माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस ऑफ एच, राइट। साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करिए, क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, तो माइनस एच बाय टू अपॉन माइनस एच, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये टू को मैं इसके साथ भी लिख सकता हूं, तो ऐसा लिख सकता हूं लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स माइनस एच बाय टू, अलग लिखा लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एच बाय टू, माइनस कॉमन निकल गया तो कैंसिल अपॉन एच बाय टू, ये हो गया वन, या एच की जगह जीरो रख दिया तो कॉस एक्स ये वन। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला बिल्कुल सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, वो भी कितना आएगा कॉस एक्स, इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स को क्या बोलते हैं कॉस एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं अगर सपोज आपको प्रूफ करने हैं तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रूफ कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, या डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट से प्रूफ कर सकते हैं, राइट। नोट करिए आप, क्योंकि मैं आपको डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट बताऊंगा फिर 5.2 हम स्टार्ट करेंगे। यस, सबसे पहले हम फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाते हैं, राइट, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस और ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन देखते हैं। नंबर वन, डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर एन एन टाइम्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स एन पावर एक्स, दिस इज एन पावर एक्स लॉग एन, अक्सर इसको इस फॉर्म में लिखा मिलेगा ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए। ध्यान रखिएगा अगर पावर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला और बेस वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है इसलिए एक साथ लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, दिस इज ई पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सी आए तो माइनस साइन लगाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर x का कोई कोफिशियंट है जैसे ए एक्स प्लस बी पूरे फॉर्मूले में, वो मल्टीप्लाई में आएगा, क्यों आएगा अभी वो चेन रूल में समझाऊंगा, अभी तो याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज मैं बोलूं 10x, दिस इज sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 ax होता तो a टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर ax। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, देखिए c आया तो माइनस आएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x इंटू 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, राइट, माइनस cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की, सपोज मैं बोलूं साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ट्वेल्थ में इनवर्स आ जाता है तो इनवर्स के डिफरेंशिएशन भी मिलने लगते हैं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही कॉट इनवर्स होता तो केवल माइनस का चेंज आता है, फॉर्मूला सेम रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, ये सब फॉर्मूले लिखे हुए एक जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दिस इज 1 by x, अगर log का बेस e है, log का बेस हमेशा e होता है, पर सपोज e बेस नहीं है, बेस कोई और हो तो क्या करेंगे, जैसे अगर मैं ऐसा पूछता डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस a x तो क्या होता, तो हमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करना होता, बेस चेंजिंग फॉर्मूला मीन्स log बेस a b, कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है मैथ्स उसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन log a, तो मैं यहां पर इसको क्या लिखता, डी बाय बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग एक्स का वन बाय एक्स इंटू लॉग ए, राइट। ऐसा भी लिखा मिल सकता है लॉग बेस ए अपॉन एक्स, ये बेस चेंजिंग है वन अपॉन का, तो ये पॉसिबल फॉर्म है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार फिर कवर करवा रहा हूं,
इसके बाद ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन समझते हैं, फिर 5.2 को स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन की बात करें तो सबसे पहला बात करें तो dy/dx कॉन्स्टेंट ऑलवेज रिमेंबर 0। सेकेंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखिएगा फंक्शन का होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ fx + gx, ये पूरा मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अभी एनसीईआरटी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ fx, कैलकुलस का सबसे ज्यादा जरूरत होता है, स्टडी करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा कैलकुलस ही आता है और ट्वेल्थ में भी सबसे बड़ा पोर्शन कैलकुलस ही है। dy/dx fx + -dy/dx gx, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर सपोज प्रोडक्ट फॉर्म है तो क्या होगा, टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एंड लास्ट इज डिवीजन फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, fx/gx, पर इसको याद मैं आपको हमेशा ऐसे करवाता हूं, numerator/denominator, बोले भी ऐसे ही आप, क्या बोले, डिनोमिनेटर इंटू dy/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy/dx डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। राइट, क्या फॉर्मूला, gx डिनोमिनेटर इंटू dy/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy/dx डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक ऑपरेशंस हुए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर आपको सपोज चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन क्लियर नहीं है तो बस फिर समझ लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन बनेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो है चेन रूल की। अब चेन रूल होता क्या है उसके पहले मैं, चेन रूल मीन्स सिंपल सी बात है, जैसे dy/dx निकालना है तो मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं dy/dt इंटू dt/dx। देखिए dt से dt कैंसिल तो क्या मिला, dy/dx। ऐसे ही dy/dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूं dy/dt dt/du du/dw। राइट, ये आपस में कैंसिल तो क्या मिला dw/ एंड हमेशा x से होगा, स्टार्ट हमेशा dy से होगा। जैसे dy/dx जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, इसलिए चेन रूल बोलते हैं dt/du du/dw dw/dv dv/dx लाइक दिस। राइट, अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जब कंपोजिट फंक्शन दिए होते हैं और फंक्शन ऑफ फंक्शन दिए होते हैं तो हमें चेन रूल की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्यों होती है वो बताता हूं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फंडे समझें। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन को ब्रेक करना। अब जैसे मैंने आपसे बोला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, अगर फंक्शन एक्स का है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, तो साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स। वैसे ही अगर डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dy साइन वाई बोलता तो आप लिखते कॉस वाई। यानी जिसका फंक्शन है, आप ध्यान से समझिएगा, जिसका फंक्शन है, स्लो पढ़ाऊंगा, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं dy/dx x 4x³ होता है तो इसका मतलब dy/dt t^4bt 4 × t³ होगा। राइट, पर अगर मैं आपसे बोलूं कि d upon dx साइन y क्या होगा, अब प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन y का है, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, x के। तो यहां पर आपको समझना है कि मैं एक काम ये कर सकता था, dy का मल्टीप्लाई dy का डिवाइड, इसी को आगे चल के समझाऊंगा। अब मैंने क्या करा, dy का मल्टीप्लाई dy का डिवाइड, इस dy को शिफ्ट कर सकता हूं तो देखिए क्या मिला, d/dy साइन y इंटू dy/dx। राइट, ये dx वहां शिफ्ट हो गया तो dy/dy साइन y क्या हुआ, cos y इंटू dy/dx। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एडिशनल चीज आपको मिल गई। तो आपसे आप ध्यान रख सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूं d/dx log t क्या होगा, आप देखिए t का फंक्शन है तो मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 1/t इंटू dt/dx। वाई dt/dx, क्योंकि जब इसको सॉल्व कर रहे थे आप तो आपने dt का मल्टीप्लाई dt का डिवाइड किया और इनको इंटरचेंज कर दिया। तो अब से आपके लिए एक जनरल रूल बन गया, जैसे मैं बोलूं d/dx log
y, तो आप बोलते हैं 1 अपॉन y dy by dx. मैं आपसे बोलूं dy by dx cos t, तो आप बोलते हैं माइनस साइन t into dt by dx. क्यों लिख रहे हैं वो आपको समझाया मैंने कि जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो आप ये मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैंने आपसे बोला d अपॉन dx e पावर u, तो आप बोलते e पावर u इंटू डी यू बाय डी एक्स. राइट. सपोज मैं आपसे बोलूं d अपॉन dx y क्यूब, तो आप बोलते 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सपोज मैं आपसे बोलूं कि dy वाई बाई डी एक्स x, x नहीं y ले लेते हैं, तो आप y का 1 होता है पर मल्टीप्लाई में क्या आता dy वाई बाई डी एक्स. तो ये बेसिक कंसेप्ट है. अब इसको ये क्यों समझाया मैंने, अब मैं बताता हूं कि कंपोजिट फंक्शन में मैं चेन रूल किस ढंग से अप्लाई करते हैं, और फिर पहले एक बार मेथड बताऊंगा और मेथड के बाद डायरेक्ट करना सीखेंगे. आप एग्जाम में भी डायरेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल मार्क्स ही आपको मिलेंगे. राइट, नोट डाउन. अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है. अब देखिए प्रॉब्लम क्या, आप समझना, पहले लॉजिक समझना. एक दो क्वेश्चन मेथड से पूरा करेंगे. आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पता है, कॉस एक्स. आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भी पता है, 2x प्लस 3, पर ये दोनों एक साथ कंबाइंड करके दिए. तो ऐसे क्वेश्चन में हम चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, पहले मेथड फिर डायरेक्ट. तो अब इसमें क्या करा, इसको मैंने मान लिया t. राइट, तो क्या हो गया, y इक्वल टू साइन टी, वेयर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपने एज्यूम किया. राइट, अब ये फंक्शन किसका है, टी का. तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, याद रखिए जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट. और इस लाइन को ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. इस लाइन का मतलब होता है बोथ साइड डी बाई बाई डी टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हुआ डी बाई बाई डी टी एंड दिस इज कॉस टी. अब टी की वैल्यू डाल दें तो बाद में आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल सकते हैं आप. तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इक्वेशन 1 हुई. अब देखिए यहां पर लास्ट फंक्शन क्या है, x का है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो दोनों तरफ dy by dx का मल्टीप्लाई किया, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dt by dx यहां पर आ गया 2x प्लस 3, दिस इज 2. आपको फाइनली पूछा था dy by dx, जिसे आप लिख सकते थे dy by dt into dt by dx. तो dy by dt ये लिखा है, dt by dx ये लिखा है, बस ये वैल्यू रख दीजिए. तो cos x square plus 3x plus 1 into 2x plus 3, ये रिजल्ट हमारे पास आया. तो जब आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन देखिए या साइन और एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है, तो हमें चेन रूल की जरूरत पड़ती है. अभी मैंने चेन रूल नहीं लगाया, अभी तो मैंने मेथड से किया है. 2-3 क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें डायरेक्ट मेथड करेंगे, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना होता है, इससे बहुत टाइम कंज्यूम होता है. नोट डाउन. सपोज मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दूं, y इक्वल टू या fx इक्वल टू, सपोज क्वेश्चन ये है, log sin अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. राइट, सपोज ये क्वेश्चन है. अब लॉजिक से समझिए, आपके पास किस किस का डिफरेंशिएशन है. आप ऐसा सोचा करिए, आपके पास log x का है 1 बाय x, आपके पास sin x का भी है cos x, आपके पास रूट x का भी है 1 अपॉन 2 रूट x, और आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 का भी है, दिस इज 2x. राइट, बस यही कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं. इस क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्ट करेंगे और एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट ही करना है. सबसे पहले हमें log x का डिफरेंशिएशन पता है, तो x की जगह सोचो t होता तो t का भी पता है, यानी log t का पता है, sin t का पता है, root t का पता है, like this. अब सबसे पहला काम किया आपने, आपने लिया y इक्वल टू log ऑफ t, where t इज, लिखते चलो अगले स्टेप में हम इसको कम करते चलेंगे, ये एज्यूम कर लिया. अब ये फंक्शन किसका है, t का, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, ऑब्वियसली t के. This is 1 by t. T की वैल्यू यहां डाल देने से फायदा यह होगा कि बाद में आपसे मिस नहीं होगा. अब यहां देखिए, इसको फिर से मान लेंगे हम क्या,
अब क्योंकि टी मान चुके हैं तो ऑब्वियसली यू लेंगे, तो यू इक्वल टू क्या लिया, यू इक्वल टू लिया आपने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ऑलमोस्ट ये सभी को आता भी है, बस एक जस्ट डिवीजन है, तो ये हुआ टी इक्वल टू साइन यू, राइट। अब एक चीज बताइए, ये यू का फंक्शन है तो ऑब्वियसली यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, तो डी टी बाय डी यू इक्वल टू कॉस यू, यू की वैल्यू यही डाल दीजिए नहीं तो पक्का है कि भूल जाएंगे, कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको वन दिया इसको टू दिया। अब यहां पर आप इसको फिर सर्कल बनाओ, टी यू वी मान लीजिए, जब तक लास्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएबल वाली फॉर्म में नहीं आया था जब तक आप कॉन्स्टेंट मानते चलते, वेरिएबल मानते चलते, अब एक तरह से ये हो गया यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी, वी का फंक्शन है ऑब्वियसली वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू वन अपॉन टू रूट ऑफ वी, वी की वैल्यू डाल दीजिए, डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये थर्ड हो गई। अब आए वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन पे, तो ऑब्वियसली फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो टू एक्स प्लस वन दिस इज फोर, राइट। ये लास्ट खत्म हुआ, इस तरह से आप 12th एग्जाम में आए, और अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स करते चलिएगा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। अब आपको पूछा है डी वाई बाय डी एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी टी, डी टी बाय डी यू, डी यू बाय डी बी एंड डी बी बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी टी ये है वन अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये है टू एक्स, बस अब इसको कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख दीजिए तो उसे टू कैंसिल, तो ये आंसर आ गया। ये तो हुआ कंप्लीट मेथड, अब इसी को हम डायरेक्ट करना भी सीखते हैं, राइट। यस, अब इसी को डायरेक्ट करना होता तो क्या करते, देखिए डायरेक्ट में एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, मतलब लॉजिक ये कहता है कि जिसको आप टी मानते हैं उसका मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी, और ये बहुत सिंपल सा रूल है। और तो देखिए क्या होगा, लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको सपोज आपने टी लिया, आप क्योंकि हम मेंटली कर रहे हैं तो इसको टी बोल रहे हैं लिख नहीं रहे, तो ये y इक्वल टू लॉग टी हो गया, तो लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हैं, देखिए आप कहीं पे टी लिखा नहीं है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, लॉग टी का वन अपॉन टी, तो जिसे टी बोला है उसको आपने टी के टर्म में लिख दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, ये याद रखना है, मीन्स साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये स्टेप चलती जाती है, साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब मैं आपसे बोलूं इसको फिर टी मानेंगे, देखिए अब बार बार टी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने फिजिकली कहीं टी लिखा नहीं, तो हर बार टी टी बोलते चले तो ज्यादा अच्छा है। अब ये हुआ साइन टी, तो साइन टी का क्या हुआ, कॉस टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, बस ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ऑलमोस्ट सभी को आता है, एक रिविजन है। अब ये कॉस अपॉन साइन हो गया मिलकर कॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, अब इसको फिर टी माना आपने, सर्कल बना लिया करिए, तो टी माना तो रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी, अब थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद तो आपको ये स्टेप भी नहीं लिखनी बाजू में, मल्टीप्लाई इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी, आप तो डायरेक्ट लिखिए। अब इसका भी करा तो क्या हुआ, कॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर का कितना 2x, 2 से 2 बाद में कैंसिल कर देंगे, तो वही रिजल्ट आएगा। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिसको आप t मानते हैं उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते जाएं और चेन ये बढ़ती जाएगी, देयरफॉर दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल, नो डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए सपोज y इक्वल टू साइन अंडर रूट टेन लॉग x, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में, तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन दिए, क्या करेंगे, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, आपने इसे पूरे को टी माना, सर्कल बना लीजिए, लिखना कहीं नहीं है, तो साइन टी का बोलिए कॉस टी
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ टी मीन्स रूट टेन लॉग एक्स, राइट। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस अंडर रूट टेन लॉग एक्स। ये बार बार लिखना पड़ता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहा है तो मत लिखना बार बार। अब इसको फिर टी माना, रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी टेन लॉग एक्स, गलती से इसे कैंसिल मत कर देना, ये कॉस के एंगल में और ये बाहर है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। ये मिस्टेक्स होती है इसलिए बताता हूं, चल रहा हूं, राइट। अब इसको फिर से टी माना, ये तो पूरा आएगा ही, इनटू लॉग टेन टी का सेक स्क्वायर टी डिफरेंशिएशन ऑफ टी, राइट, दिस इंटू सेक स्क्वायर लॉग एक्स इंटू वन बाय एक्स, ये फाइनल रिजल्ट, राइट। तो इस तरह से चेन रूल के क्वेश्चन करने, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको बीच में चेन रूल से ही हम क्वेश्चन क्योंकि करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा, राइट, नोट डाउन। यस, 5.2 स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए एक साथ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए 8 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, तो सभी सिंपल है, आप इन्हें चेन रूल से डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, देन अगेन वही कंसेप्ट अप्लाई करिएगा, एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आपने लिया टी, तो बोलिए साइन टी का सर्कल बना लिया करिए, कॉस टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, राइट, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए क्या है, ये 1 हो गया, 2 देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स, क्या करेंगे, इसको t माना, तो कॉस t का माइनस साइन t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t, एंड साइन एक्स का कितना, साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, थर्ड देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी, साइन का क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी, पहले इसको टी माना, तो कॉस टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, देन ए इंटू कॉस एक्स प्लस ऑफ बी। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इंटू टेन इंटू रूट एक्स, थ्री फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, sec का क्या होता है, इसको t माना पूरे को, sec का sec टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, sec इंटू टेन के साथ आएगा, sec थीटा इंटू टेन थीटा, वैसे टेन इंटू टेन रूट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन रूट एक्स, राइट। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं बोलूंगा आप डायरेक्ट टेन टी का कितना, sec स्क्वायर टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, ये भी कर सकते हैं, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिफ्थ देखिए क्या है, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी कॉस सी एक्स प्लस डी है, ध्यान रखिएगा सी एक्स प्लस, अलग अलग फंक्शन है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, अगर सेम होता तो फिर हम उसको टेन ही लिख देते, आप कुछ नहीं इसमें डिवीजन फॉर्मूला भी लगाना है साथ में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, राइट, क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का अगेन क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं इसको टी माना, तो कॉस एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो केवल ए आ जाएगा, इसलिए मैंने आपसे बोला था जो एक्स का कोफिशियंट है मल्टीप्लाई में आता है बिकॉज चेन रूल से हम उसको करते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस बी, कॉस का क्या, तो माइनस माइनस प्लस, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी,
अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, राइट? नो डाउन. यस, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं. देखिए क्या है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर फाइव, राइट? डिफ्रेंशिएशन किया तो मल्टीप्लाई रूल भी लगेगा, साथ में चेन रूल भी लगेगा. क्या होगा देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन. अब स्टेप समझाने के लिए लिखिए, साइन एक्स पावर फाइव का होल स्क्वायर, ऐसे सोचिएगा इसको, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट? क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, यहां पर एक तरह से टी है ये, टी स्क्वायर का टू टी, टू साइन एक्स पावर फाइव इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, तो साइन का कॉस एक्स पावर फाइव इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो फाइव एक्स पावर फोर, प्लस यहां पर भी वैसे होगा, प्लस अब कॉस है तो माइनस हो जाएगा बाद में, माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर फाइव कॉस का साइन एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, राइट? नोट डाउन, ये सिंपल क्वेश्चन है, दोनों आपसे हो जाएंगे. तो एट तक क्वेश्चन हुए बिल्कुल चेन रूल पे बेस्ड हैं. चेन रूल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, नोट करिए. चलो सेवन क्वेश्चन और कर देता हूं. देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले ये टू से कोई मतलब नहीं है, ये रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, टू से टू कैंसिल, वन अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यहां पर इसको फिर टी माना तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया. यस, क्वेश्चन नंबर नाइन तो टेंथ देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन तो टेंथ इस एक्सरसाइज का डिफरेंशियबिलिटी बेस्ड है, और मैंने ये एग्जांपल समझाया भी था. नाइन्थ को देखें तो नाइन्थ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग टू रियल एट एक्स इक्वल टू वन, राइट? अब आपको पता है कि वन पर ही इसका ब्रेक है, इसका मतलब वन पर ही डिफरेंशियबल नहीं है. पर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे अगर करना हुआ तो? सिंपल, सबसे पहले एफ वन बताइए क्या होगा, वन माइनस वन जीरो, एफ वन प्लस एच क्या होगा, वन प्लस एच माइनस वन, दिस इज मॉड एच इक्वल टू एच, एफ वन माइनस एच क्या होगा, वन माइनस एच माइनस वन, मॉड माइनस एच पर एच मिलेगा. एच के प्लेस पे अगर जीरो रख दें तो फंक्शन कंटिन्यूस समझ में आ रहा है. आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लीजिए, वन पे चेक करना है तो डायरेक्ट रख रहा हूं फॉर्मूले में, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, दिस इज माइनस वन. राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, ये करवाया था मैंने स्टार्टिंग में, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस जीरो अपॉन एच, ये प्लस वन. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टेंथ भी देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे ब्रेक हो जाते हैं, तो उनका ग्राफ ही अलग हो जाता है. जब वो कंटिन्यूस ही नहीं होते तो डिफरेंशियबिलिटी तो सेकंड स्टेप हुई. तो यहां पर आपको जैसे वन पे बताना है तो एफ वन निकालेंगे, वन एफ वन प्लस एच निकाला, वन एफ वन माइनस एच निकाला, जीरो क्योंकि वन से कुछ हो गया. अब एफ वन प्लस एच नॉट इक्वल टू एफ वन माइनस एच, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन एट वन. सिमिलरली टू पे भी निकालेंगे एट टू, देयरफॉर नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन. जो कंटिन्यूस नहीं है उसमें डिफरेंशियबिलिटी तो चेक करना ही नहीं होती है. नोट डाउन.